प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 की हिंदी की बुक का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है ध्वनि। तो बच्चों, यह है एक कविता है। इस कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 11 फरवरी 1896 को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत कविता ध्वनि में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। कविता के माध्यम से कवि अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी उसका अंत न होने वाला नहीं है। कवि के अनुसार अभी तो उसके जीवन में वसंत की बहार आई है। अपनी कविताओं के माध्यम से वह एक एक फूल अर्थात युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर जागृत करेंगे और उनके जीवन में अमृत भर देंगे तथा उन्हें अमरता का द्वार दिखा देंगे। तो बच्चों, अब हम कविता शुरू करते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात हैं, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो बच्चों, हमने इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो यहाँ लिखे हैं, तो अभी हम इनको पढ़ लेते हैं। अंत, अंत का अर्थ होता है समाप्ति। तो बच्चों, अंत का अर्थ होता है समाप्ति, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, वसंत फूल खिलने की ऋतु, पात का अर्थ होता है पत्ता, गात का अर्थ होता है शरीर, स्वप्न सपना, मृदुल कर हाथ, कलियां थोड़ी खिली कलियां, प्रत्यूष का अर्थ होता है सवेरा और मनोहर का अर्थ होता है सुंदर। तो हमने इन कठिन शब्दार्थों का जो यूज है इस पाठ में किया है, इस कविता में किया है। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ और प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने सुंदर प्रभात वेला में नींद से अलसाई कलियों को जगाने का वर्णन किया है। दूसरे शब्दों में कवि ने अपने कवि जीवन के उत्कर्ष काल का वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो बच्चों, व्याख्या करने से पहले हमें इसका प्रसंग और संदर्भ बताना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने इसका पढ़ा था। इसकी व्याख्या है, भावार्थ है, कवि आत्मविश्वास के साथ आलोचना को उत्तर देते हुए कहते हैं कि अभी मेरे कवि जीवन का अंत होने वाला नहीं है। इसका कारण बताते हुए कवि कहता है कि उसके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। इससे कवि का जीवन भी खुशियों से भर उठेगा और उसका अभी अंत नहीं होगा। वसंत के आगमन पर पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई नई डालियां और कलियां आने से उनकी कोमलता बढ़ गई है, अर्थात पत्ते कलियों और डालियों टहनियों के अभाव में ये पेड़ कितने कठोर से लग रहे थे, अब ये पेड़ कोमल शरीर वाले हो गए हैं। रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल इन कलियों पर कवि अपने स्वप्निल कोमल हाथों को फेरना चाहते हैं। ऐसा करके वह इन कलियों को जगाते हुए एक नए सुंदर प्रभात सवेरे का संदेश देना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत,
तो सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ जानते हैं। पुष्प, पुष्प इसका अर्थ होता है फूल। तंद्रालस, नींद से अलसाया हुआ। लालसा, लालच। नव, नए। अमृत का अर्थ होता है सुधा। सहर्ष, खुशी के साथ। सींच, सिंचाई। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी अंत न हो। अंत का अर्थ होता है खत्म। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि से ली गई हैं। इनमें कवि ने नींद से बोझिल तंद्रा में डूबी हुई कलियों को जगाने और अपने जीवन रूपी अमृत से सींच कर हरा भरा करने के अपने प्रयास का वर्णन किया है। बच्चों, जब भी आपको व्याख्या करनी हो, सबसे पहले हमें उसका प्रसंग जो मैंने अभी पढ़ा है ना, तो इन पंक्तियों का वो प्रसंग है, तो आपको प्रसंग लिखना है। अब हम करते हैं व्याख्या अर्थात भावार्थ। कवि कहते हैं कि मैं एक-एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात कवि प्रत्येक आलसी युवा के मन से आलस्य की भावना को दूर कर उसके मन में नए जीवन का अमृत खुशी खुशी भर देगा। कवि युवा मन से आलस्य और निराशा की भावना को दूर कर संसार में अमर होने का दरवाजा दिखा देगा। जिस तरह बसंत नवजीवन का संचार करता है, उसी तरह कवि भी लोगों में नवजीवन का संचार करेगा। कवि कहता है कि उसके जीवन में अभी वसंत आया ही है, अतः अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में इस पार्ट को पढ़ा है। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि क्लास में भी मैम ऐसा करती है, एक दिन चैप्टर को रीड करवाती है, नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चन आंसर करवाती है। अगर हम दोनों एक साथ करेंगे तो आपको ना तो चैप्टर अच्छी तरह से समझ आएगा, ना ही क्वेश्चन आंसर। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तब तक आप इसकी पार्ट को पढ़कर रखिए और जो इसके कठिन शब्दार्थ है उनको भी याद करिएगा। थैंक यू।